देयर फादर्स, दे लव देयर पेरेंट्स, उनको जरूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, जरूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है, वालिद का चेहरा आ जाता है शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए आपको बताए ये चीज, वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है आपको, गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रियलाइज करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप जरूर कुछ देर रह सकता है लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितने भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है, आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आंख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाय मत जाने दो, आप खसम खाइए आज, यू टेक ए नोथ, टेक ए प्लेज टूडे कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माई पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन्स आज हाथ में है वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहां पर आए हैं, कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आए हो क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं, आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए, आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए, आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा आज, आज ही फैसला कर